हाय फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री महाकाली डेली अपडेट्स। आज मैं आप लोगों के लिए बना रहे डोसा कैसे बनाने का। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अच्छे से डोसा बनाया, देख लीजिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर लाल मसाला मैंने उसके ऊपर ऐड किया। देखिए कितना मस्त पक रहा है ना। एक दिन फ्रेंड्स मैं देखिए यहाँ पर कितना कलर आया ना फ्रेंड्स। एक दिन मैंने कैसे आटा इनके लिए प्रिपेयर करने का, डोसा का आटा और इडली का आटा, वो भी मैं एक रेसिपी में मैं बना दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी और एक डोसा आप लोगों के लिए मैं बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, ये सादा डोसा बनाया और इसके ऊपर मैंने कुछ लाल मसाला वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया है। और से फ्रेंड्स, और एक डोसा मैं बना रही हूँ। ये क्यों बना रही हूँ बोले के तो, मैंने पुदीना का चटनी बनाया, तो वो पुदीना का चटनी इस पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे लोग तो पुदीना चटनी खाने को ये नहीं करते, मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो इसलिए बच्चे लोगों को पहले पुदीना चटनी अच्छे से उस डोसे पे अप्लाई करके देने से, रोल करके देने से, तो बच्चे लोग छुप छुप खा लेते हैं। तो उस वजह से देख लिए मैं कैसे अप्लाई करता है, यहाँ पर वो भी मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सी फ्रेंड्स, मैंने जो ये पुदीना चटनी भी कैसे बनाने का है ना, इसमें साथ साथ वो भी रेसिपी बना चुकी हूँ अच्छे से, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना नरम है ना डोसा, देखो कितना माव माव है, कितना नरम है। तो देख लीजिए, यहाँ पर बड़े लोग तो अच्छे से खा लेते अपना पुदीना चटनी, तो जो बच्चे लोग नहीं खाते उन लोग के लिए मैंने अप्लाई करके दिखाई थी। देखिए यहाँ पर मैंने गैस पे एक कढ़ाई रखा है और उसमें विदाउट ऑयल डाल के थोड़ा सा मैंने अच्छे से मिर्ची को फ्राई करके लिया। वो उसका अच्छे से मॉइस्चर ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा तेल डाल के फिर अच्छे से मैंने आधा पाव मिर्ची को मैं अच्छे से फ्राई करके ले चुका है। और एक छोटा वाटी बाउल का सिंगदाना भी लिया है, और सिंगदाना भी लेके अच्छे से उनको भी उसी तेल में मैंने रोस्ट करके लिया है। और फिर और थोड़ा सा तेल डाल के और एक गड्डी पुदीना को मैंने अच्छे से पका के लिया है। और ये सब ठंडा होने के बाद, ये सब पुदीना, सिंगदाना, मिर्ची सब ठंडा होने के बाद थोड़ा सा फिर मैंने इसमें सब एक साथ ऐड करके कोबरा भी ऐड किया एक वाटी क्वांटिटी में, और गार्लिक और जिंजर सॉरी अदरक और लहसुन भी ऐड किया इसमें। और जो पुदीना को मैंने अच्छे से फ्राई करके लिया है तेल में, और उसको भी ऐड किया है अच्छे से मिक्सर में ऐड करके। फिर थोड़ा सा जीरा भी ऐड किया और स्वादिष्ट अनुसार नमक ऐड करके, और जितना पानी लगता है उतना पानी, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने अच्छे से पैन पेस्ट करके लिया। और इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं किया, और एक साइड में थोड़ा सा तेल डाल के फिर तेल में राई, जीरा, उड़द दाल, चना की दाल और लाल मिर्ची डाल के अच्छे से पुन्नी, कड़ी पत्ता, लाल मिर्ची सब डाल के अच्छे से पुन्नी करके लिया। और थोड़ा सा फाइनल टच में हिंग डाला है इसमें, हिंग भी डाल के फिर उसी तेल में फिर ये चटनी को फ्राई करके लिया है। फ्रेंड्स, आप लोग को लगता होगा कि वो मतलब चटनी के ऊपर तेल डालने का ना नहीं, लेकिन इसमें क्यों मैं ये करके लिया है, उसी के अंदर कढ़ाई में 2 मिनट तक पका के क्यों लिया, ये 10 दिन तक भी अपना फ्रिज में रखे ना फ्रेंड्स, 10-15 दिन तक अच्छे से रह जाता है, इसलिए मैंने उसमें अच्छे से पका के लिया है। कुछ मॉइस्चर वगैरह रहेगा तो वो सब अच्छे से ख़त्म हो जाता है, उस वजह से मैंने उसको अच्छे से फ्राई करके ले चुका है, वो फ्रिज में रखे अच्छे से खा लेते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।